तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूं मऊ के रेलवे स्टेशन में। ये मेरा सामान है, आप लोग देख रहे होंगे। और नमस्कार दोस्तों, आज है 25 तारीख और आज मुझे जाना है यूपी से छत्तीसगढ़। तो सुबह हो गया है, अभी उठती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ। मम्मी लोग चाय बना डाले हैं, उसके बाद पैकिंग वगैरह करेगी मम्मी। और आज मेरा ट्रेन है मऊ से 4 बजे और अभी मुझे यहाँ से निकलना है 12 बजे, फिर ट्रेन 4:20 में मिल। दाल चाय बन गया है, अब मैं डालती हूँ और बिस्किट खाती हूँ। एक पैकेट इसमें से लेती हूँ। दादा कौन सा वाला बिस्किट खाएगी? मैरी मेरी दीदी ने मुझे जूसर दिया है, ये इस तरह से सब खोल खाल के यहाँ पर से चले गए हैं। अब मैं इसको जमाऊंगी और लेके जाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे जूस पीना रहता था तो मेरे पास जूसर नहीं था। थैंक यू दादा। ससुराल में हम लोग को कुछ दिए हैं लेके जाने के लिए, देखते हैं। दिखा दादा, खोल तो। वाव, रखिए का पेठा यहाँ बहुत फेमस है, साल भर बिकता है यहाँ। वाह देखिए, कैसा टेस्ट दादा? बहुत टेस्टी। तो फाइनली मेरा पैकिंग कंप्लीट हो रहा है और आज मैं, दीदी कितने दिनों के बाद जा रही हूँ ऋषिकेश के पास? 10 दिनों के बाद मैं अपने बेटे के पास छत्तीसगढ़ जा रही हूँ यूपी से। और फाइनली मेरा पैकिंग मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, ये बस कुछ सामान रखना बाकी है। अभी अब जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। इधर 16वीं मनाया जाता है तो 16वीं तक तो नहीं रुक पाऊँगी, क्योंकि मेरा जॉब है और अधिकारियों को मैं अच्छे से नहीं बता पाई थी। जैसे ही खबर मिला, बस एनी हाउ पखांजूर से रात के 9 बजे नक्सल बेल्ट होने के बावजूद मैं अपने बच्चे को लेके निकल गई थी। फिर रुद्र को उसके दादी दादा के पास छोड़ी, उसके बाद मैं अगले दिन ही जस्ट सुबह 14 तारीख 15 तारीख के सुबह निकल गई थी यूपी के लिए। और यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ, मम्मी बड़ी दीदी के साथ रहेगी और जो सेकंड नंबर की दीदी है वो बिलासपुर से आज निकलेगी यहाँ यूपी के लिए। फिर उन लोग 16वीं मना के वापस आएंगे, बट मुझे अपने नौकरी के कारण जाना पड़ रहा है और 10 दिन से अपने बेटे को भी उसके दादी दादा के पास छोड़ के आई हूँ। ये मेरा बेटा है सिम्बा, हाय बोलो। हाँ सिम्बा रियांस है। हाँ ये मेरी किट्टू दीदी का बेटा है और मेरा सबसे प्यारा बेटा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मेरे जो बड़े जीजू थे वो हमारे जीजू नहीं थे, हमारे पिता समान थे। और बोला जाए तो मेरे पहले जीजू थे और उनके लिए अलग ही प्यार था। और हो सकता है ये हमारा आखिरी बार आना हो यूपी, क्योंकि अब हमारे जीजू नहीं रहे तो बड़ा ही दुख का विषय है और आज जाना भी पड़ रहा है दीदी को छोड़ के। तो तैयारी हो गया है, तो फाइनली अब 1 बजने वाला है, अब हम लोग निकलते हैं। तो अभी मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, यहाँ बहुत भीड़ है ऑटो में और यहाँ से गाड़ी बहुत लेट से मिलता, जाम लग जाता है, इसलिए ऑटो में बैठ के जा रही हूँ। घोसी ना रहा गाड़ी में, क्या घोसी ना रहा तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूं मऊ के रेलवे स्टेशन में। ये मेरा सामान है, आप लोग देख रहे होंगे। और मैं यहां बैठी हूं, अभी 3:30 बज रहा है और 4:30 को मेरी ट्रेन है, तो अभी मैं यहीं बैठ के वेट करने वाली हूं। ट्रेन को अभी लेट है तो मैं जाती हूँ चाय पीने, क्योंकि अभी 4 बजे ट्रेन आने वाली है। और टीटी से पूछे यहाँ टेस्टी चाय कहाँ मिलता है, बोले स्टेशन के बाहर जाओ, तो अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ। थैंक यू। ये है क्रीम रोल जो इधर ही मिलता है यूपी में, बहुत बड़े बड़े साइज़ का है। तो
ट्रेन में बैठ गई हूँ और मेरी ट्रेन भी चल पड़ी है और मेरा सीट का नंबर है B45 और अब सफ़र आगे चलेगा। अभी बहुत भूख लग रहा है, सुबह 12 बजे से खाई थी तो अभी कुछ खाती हूँ। रात हो गया है और अब मैं अपना बिस्तर लगा रही हूँ यहाँ पर, उसके बाद सोएंगे। मेरी ट्रेन जो है कल सुबह पहुँचेगी तो अभी अब मैं खा डाली हूँ, डिनर हो गया मेरा तो सोने की तैयारी। ये मैंने अपने हस्बैंड का पहना हुआ है, उनसे छूट गया था यूपी में, तो अभी रात में ठंडी लगने वाली है तो मैं इसको पहन लूँ।